और बात करेंगे राजधानी रायपुर के, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया का बस्तर का दौरा रद्द हो गया है, और दौरा रद्द होने पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि जनता के विरोध से डरे पीएल पुनिया और कांग्रेस ने बस्तर का दौरा रद्द किया है। बीजेपी प्रदेश के प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ जारी जन आक्रोश है और इसके कारण जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। पीएल पुनिया नहीं बल्कि बीजेपी के जुबानी हमले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के नेता मति भ्रम के शिकार हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय कुमार ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की जनता ने बीजेपी मुक्त कर दिया है। रातल में उपजे आक्रोश आदिवासियों के मन में आक्रोश को पहचान गए कि उनके 32% के आरक्षण को कम कर 20% कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस ने हाथ में हाथ धरे बैठे रहे और उनको बचाने के लिए, उस आरक्षण को बचाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। आदिवासी वर्ग यह जान चुका है कि कांग्रेस आदिवासी हितेशी नहीं है, आदिवासी हितेशी होने का ढोंग करते हैं। इस प्रदेश के प्रभारी श्री पीएल पुनिया जी इस बात को भली भांति जान गए कि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस का पुरजोर विरोध है, विरोध का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के नेता मति भ्रम के शिकार हैं। बस्तर की जनता ने बस्तर से भाजपा को मुक्त कर दिया है। अभी गए थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी एयर कंडीशन कमरों से बाहर नहीं निकल पाए, बस्तर की जनता से कोई संवाद स्थापित नहीं कर पाए, कार्यकर्ताओं ने भी उनके यात्रा से दूरी बनाकर रही है। ऐसे में भाजपा के नेता इस धोखे में ना रहे कि बस्तर की जनता उनका समर्थन करेगी।